अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अस्मा धनशेस किचन। आज हम देखेंगे अंडे की सालन की रेसिपी। इस सालन को हम कोकनी स्टाइल में बनाएंगे, यानी कि कोकनी रेसिपी से बनाएंगे। कोकन में कुछ जगहों पर इसे अंडे का टिकटोनी कहा जाता है और कुछ जगहों पे अंडे का टिक्का भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स। अंडे का टिकटोनी यानी कि अंडे का सालन हम बना रहे हैं कोकनी स्टाइल का। तो इसके लिए यहाँ हमने लिए हैं 6 अंडे और बाकी कुछ मसाले हैं, जिसमें यहाँ है 2 प्याज। एक प्याज को हम भून कर लेंगे और पीस लेंगे और एक प्याज को चॉप करके फ्राई कर लेंगे। और यहाँ है 7 से 8 छोटी वाली प्याज, बेबी अनियन, इसे भी हम यूज करेंगे। 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और 1/3 कप कोथमीर, हरी धनिया, कुछ खड़े गरम मसाले, 3 दालचीनी के टुकड़े, 3 तेज पत्ता बे लीफ और 3 हरी इलायची, सूखा खोपरा 2 मुट्ठी, ये तकरीबन आधा कप सूखा खोपरा है, इसे हम भूनकर इस्तेमाल करेंगे, सूखी धनिया 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून काले मिर्च और 1 टीस्पून सौंफ है। साथ ही हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। एक प्याज को हम चूल्हे पर भून लेंगे, इसे अच्छी तरह से भून ले। प्याज को एक तरफ हमने भूनने के लिए रख दिया है, दूसरी तरफ एक पैन में हम सूखा खोपरा भून लेंगे। इसे गोल्डन होने तक हमें भून लेना है पैन में। ऐसे ही हमारा खोपरा अच्छी तरह से भून गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और इसी पैन में जो गरम मसाले हैं थोड़े से, उसे भी हम भून लेंगे। धनिया सौंफ और काली मिर्च को हल्का गरम कर लेंगे, भून लेंगे। धनिया, काले मिर्च और सौंफ भी अच्छी तरह से भुन गई है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे भी इसी डिश में डाल देंगे और हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। प्याज भी हमारी भुन गई है दोनों तरफ से, देखिए, अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे भी एक डिश में निकालेंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे और फिर इसे छील लेंगे। अब मिक्सर के पॉट में हम ये सूखा खोपरा भुना हुआ और धनिया, सौंफ और काला मिर्च डाल देंगे। साथ ही भुनी हुई प्याज, जिसे हमने छीलकर बड़ा बड़ा इस तरह से काटा है, इसे भी डाल देंगे। हल्दी पाउडर भी डाल दें, कोथमीर, लहसुन और हरी मिर्च, थोड़ा सा पानी डाल दे और इसे बारीक पीस लेना है। ये देखिए, मसाले को हमने एकदम बारीक पीस लिया है। जितना मसाला बारीक पीसेंगे आपकी ग्रेवी उतनी ही अच्छी बनेगी। अब हम इसे बघारेंगे। एक कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें 3 तेज पत्ता, 3 दालचीनी के टुकड़े और 3 इलायची डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 बड़ी प्याज, जिसे हमने चॉप कर लिया है। अगर छोटी साइज की हो तो 2 प्याज ले, इसे भी डाल देंगे और इसे हल्की ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो गई है, जितनी हमें फ्राई करनी थी हमने इसे उतना ही फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे खोपरे वाला मसाला जो हमने बारीक पीस रखा था, वो डाल दे सारा। और इसे 2 मिनट भून लेंगे। अब इसमें नमक डाल दें और मिक्सर के ही पॉट में हमने 1/2 से 1/4 कप पानी डाला है और उसे भी शामिल करेंगे।
मिक्स करें। फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट ग्रेवी को ऑयल छोड़ने तक कवर करके पका लेंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं ग्रेवी को लो फ्लेम पर पकते हुए, कवर हटा के चेक कर लेंगे। ग्रेवी पे ऑयल पूरा ऊपर आ गया है। इसे 1 मिनट मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है वो पेंदे में ना चिपके। ये देखिए ग्रेवी का ऑयल पूरा ऊपर आ गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपको जितनी थिक ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लें और इसे एक बॉईल आने दें और फिर उसके बाद हम इसमें अंडे तोड़ के डालेंगे। ग्रेवी में अच्छी तरह से बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें जो प्याज है, छोटी छछोटी प्याज हमने ली थी 7 से 8, उसे छीलकर डाल दिया है। इसे एक एक डाल देंगे। और जो अंडा है उसे हम ऐसे तोड़ के डालेंगे। अगर आपको बॉयल एग ऐड करना हो तो आप बॉयल एग भी इसमें ऐड कर सकते हो। मुझे पर्सनली ऐसे पसंद है। एक एक अंडा तोड़ के डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा गैप दे और अंडा डालते जाए। अंडों को थोड़े थोड़े गैप पे ही डालें वरना ये चिपक जाएंगे। सारे अंडे हमने डाल दिए हैं, टोटल 6 अंडे हमने डाले हैं इसमें। और अब इसे लो से मीडियम फ्लेम पर हल्का कवर को हम खुला रखेंगे ताकि सालन जो है वो ऊपर ना आए। ऐसे ही कवर करके हम 8 से 10 मिनट उसे पका लेंगे लो फ्लेम पर। 10 मिनट हो गए हैं सालन को लो फ्लेम पर पकते हुए। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और चेक कर लेंगे अंडे और प्याज पकी है या नहीं। चेक कर लेते हैं, पहले अंडा देख लेंगे। देखिए तरी भी बहुत ही अच्छी आई है, ऊपर अंडा पूरी तरह से पक गया है देखिए। और हमारी जो प्याज है वो भी अच्छी तरह से पक गई है, यानी कि हमारे अंडे का सालन बनकर तैयार है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही यमी लगता है ये सालन। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे जरूर ट्राई करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा चैनल, ताकि हमारी और नई नई रेसिपीज और वीडियोस आपको मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।